दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से आप लोग के अपना ही चैनल फैंटेसी विनर में। दोस्तों इस वीडियो में हम डीपली कवर करेंगे आईपीएल का 29वां नंबर मुकाबला के बारे में गाइस, जो होने वाला है एसआरएच वर्सेस सीएसके। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला रहने वाला है गाइस, अगर आप इस मुकाबले में कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो गाइस इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि गाइस हमने इस वीडियो में कवर किया गाइस पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों का लास्ट 5 मुकाबले का हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस गाइस, कि उस हेड टू हेड मुकाबले में कौन प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा था, और गाइस इनके रिसेंट मैचेस के परफॉर्मेंस, कौन सा बैटिंग ऑर्डर कितने नंबर पाते गाइस, सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसको ज़्यादा जहाँ चाहे वहाँ पर अच्छे खासे टीम बना पाओ और उस टीम से बड़े विनिंग कर पाओ गाइस। लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा जो भी हमारे इस मैच से रिलेटेड कुछ भी नहीं जो होगा गाइस, यानी फाइनल टीम होगी छः करने लीग टीम, स्मॉल लीग टीम, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो गाइस जुड़ने कैसे जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सिंपली ज्वाइन हो जाना। अगर गाइस लिंक नहीं काम करी तो गाइस जाकर ये सर्च कर लेना अपनी जीतों की, गाइस सेम टू सेम ऐसे सर्च कर लेना है। सर्च करना कैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस जा चुके हैं फाइनली अब टेलीग्राम मैप पे गाइस, यहाँ पे आकर सिंपली सर्च कर लेना है अपनी जीतों की। जैसे आप अपनी जीत होगी सर्च करोगे गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल के लोगों जैसा कि लोगों दिखेगा, यहाँ पे 797 सब्सक्राइबर है गाइस। आपको बता दूँ हमारा एक डेवलपमेंट टीम करके नाम का चैनल था, वो चैनल सस्पेंड हो गया, उसका कोई रीज़न था इसलिए सस्पेंड हो गया। आप यहाँ पे आकर जुड़ जाओ, बाकी आपको यहीं पर फाइनल टीम, छः ग्रेन लीग टीम, स्मॉल लीग टीम, सारी न्यूज़ जो भी इसमें से कुछ भी न्यूज़ होगा मेरे भाई आपको यहीं पर प्रोवाइड होता है, आप यहाँ पर आकर जुड़ जाओ, बाकी यहीं पर फाइनल टीम प्रोवाइड होगी। तो गाइस यहाँ पर जो सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइस ज्वाइन बटन का आएगा, आप यहाँ पे जाकर सिंपली ज्वाइन हो जाना। बाकी जो भी मैच से रिलेटेड कुछ भी न्यूज होगा आपको यहीं पर प्रोवाइड होगा गाइस, छः ग्रेन लीग टीम, स्मॉल लीग टीम, मैं चार फंटेसी साइड का टीम देता हूँ, रियल इलेवन, बर्ट वेल इलेवन गाइस, माई फेव इलेवन और ड्रीम इलेवन टीम। गाइस यहाँ पर अगर जुड़ जाइए आपको यहाँ पर फाइनल टीम प्रोवाइड हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ जुड़ गए होंगे। अब हम बात करें गाइस मैच की, तो 29वां नंबर मुकाबला है गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था डेट एंड टाइम की बात लगाई तो 7:30 बजे से मुकाबला होने लगा, जैसे समय पर सारे मुकाबले हो रहे हैं। और गाइस जो हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो गाइस आपको बता दो दुबई क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हो रही है गाइस, तो गाइस पिच और न्यूट्रल है, यानी गाइस जो सेकंड बैटिंग करेगी गाइस उसके लिए चेज करना आसान नहीं रहेगा, जो फर्स्ट बैटिंग करेगा गाइस उसको जितना मतलब बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो गाइस आप फर्स्ट इनिंग के मतलब खेलने वाले प्लेयर गाइस यानी टीम को आपको फेवर करनी है, आपको उसी के बेसिस पर अपनी टीम को बनाना है, क्योंकि गाइस फर्स्ट इनिंग में आपको बता दूं गाइस जो खेलेगा गाइस उसी को जीतने का बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो गाइस आप उसी को फेवर करते हुए टीम को बनाओ तो आप अच्छी खासी विनिंग कर पाओगे। रही बात गाइस मैसेज की, तो गाइस इस ग्राउंड पे अभी तक 12 मैसेज खेले जा चुके हैं गाइस, जिसमें फर्स्ट इनिंग में गाइस बैटिंग करने वाले गाइस टीम 8 जीते हैं, और गाइस सेकेंड इनिंग में चेज करने वाली टीम ने गाइस सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं, और 2 मुकाबला इनका टाई हो गया था। तो गाइस अपने फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करेगा गाइस उसी को जीतने के लिए बहुत सारे मतलब उसी को जीतने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, तो आप उसी को फेवर करते हो टीम को क्रिएट करो, बाकी अच्छी खासी टीम बना पाओगे और अच्छी खासी विनिंग भी कर पाओगे। रही बात इनके लास्ट मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो गाइस आप बता दूँ जो इनकी लास्ट मुकाबला 2 तारीख को हुआ था गाइस, उसमें सीएसके ने गाइस हार गए थे गाइस, यानी एसआरएच ने वन कर लिया था गाइस जो मुकाबला, जिसमें एसआरएच ने गाइस फर्स्ट बैटिंग करते हुए गाइस 164 रन बनाया सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर गाइस पूरे 20 ओवर में, और सीएसके ने गाइस 5 विकेट खो दिए सिर्फ 157 रन बना पाया गाइस। तो गाइस वो मुकाबला 7-8 रन से इन्होंने जीत लिया था एसआरएच ने, जिसमें गाइस सीएसके का परफॉर्मर रहा था गाइस रविंद्र जडेजा ने गाइस 50 रन मुकाबले में खेले थे गाइस, और 47 रन महेंद्र सिंह धोनी मारे थे, फेफ डुप्लेसिस ने सिर्फ 22 रन बनाए थे, ये फेफ डुप्लेसिस की बात रह गई तो ये रन आउट हो गए थे गाइस, अगर रन आउट नहीं होते तो गाइस उस मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्म करता दीपक चर्थ गाइस, उस मुकाबले में 2 विकेट ले गए, शार्दुल ठाकुर के 1 विकेट ले गए गाइस, और संजय हैदराबाद की बात रह गई तो इनकी तरफ से उस मैच में परफॉर्म करा था प्रियम गर्ग ने गाइस 51 मारा था, अभिषेक शर्मा ने 31 और डेविड वार्नर ने 28, मनीष पांडे ने गाइस 29 और टी नटराजन ने गाइस 2 और गाइस एस अहमद ने गाइस 1 विकेट निकाले थे। तो गाइज यूज करा परफॉर्मेंस गाइज, तो वहीं गाइज हेड टू हेड मुकाबले का रिकॉर्ड है गाइज, तो आप पहले परफॉर्मेंस पढ़ लेना, उसी के बेसिस पे आप टीम बनाना, बाकी मैं आपको बता ही दूंगा गाइज कि कौन प्लेयर कैसा है उसी को रखना है। बाकी बात रहे गाइज अब हैदराबाद की गाइज बैटिंग लाइनअप, तो गाइज यही बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है इनकी तरफ से गाइज, ओपन करने आ रहे हैं डेविड वार्नर, जोनी ब्रेस्टो गाइज, डेविड वार्नर ने लास्ट के मुकाबले में गाइज 48 मारे थे, उसके पहले वाला मुकाबले में गाइज 52, 60, 28, 45, 36, 6, यानी गाइज आपको बता दूँ बहुत ही शानदार फॉर्म है भाई, इनको डायरेक्टली पिक कर लेना, स्मॉल लीग टीम में आप कैप्टनसी भी दे देना गाइज, लास्ट के मुकाबले में 48 बनाए थे, 52, 60, 28, 45, 36, बहुत ही शानदार फॉर्म है भाई, डायरेक्टली पिक करो अपने टीम में। वो उनके साथ आ रहे गाइज जोनी ब्रेस्टो, लास्ट के मुकाबले में गाइज इन्होंने 16 रन बनाए थे, 97 रन और 25 रन, 0 रन, 53 रन, 5 रन, 61 रन,
यानी गाइस बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है अभी। तो आप विकेट कीपर में देखे गाइस तो विकेट कीपर सिंह से आपको पॉइंट दे देगा, तो अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर लेना स्मॉल लीग टीम में। गाइस इनकी अब हेड रिसेंट मैचेज के परफॉर्म की बात करें तो हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 7 मैचेज खेले हैं जिसमें से इन्होंने सिर्फ 3 ही हासिल करा है गाइस, जीत और 4 इन्होंने हारे गई है, 3 जीता है 4 हारा है। तो वहीं है गाइस, वहीं बात करें गाइस इनके वन डाउन आ रहे गाइस प्लेयर मनीष पांड्या जो लास्ट के मुकाबले गाइस इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया था 54 रन का। गाइस हमारे एक ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन भी था, उसके पहले पहले मुकाबले में 1 रन, फिर 30 रन, 29 रन, 3 रन, 51 रन और 34 रन। गाइस अपने स्मॉल लीग टीम में ट्राई कर लेना क्योंकि आपको 30 से 35 रन बनाकर दे सकता है। गाइस टू डाउन आ रहे गाइस केन विलियमसन की बात करें, लास्ट के मुकाबले में सिर्फ 20 बनाए और उसके पहले पहले मुकाबले में इन्होंने 1 ओवर करा था बट विकेट नहीं मिला। वो ओवर नहीं करता सिर्फ, कभी भी ओवर नहीं करेगा भाई, कभी कभार कर लेता है बट ज़्यादा ओवर नहीं करता है। ओवर का चांसेस भी नहीं रहिएगा आप, सिर्फ ये बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे। लास्ट के मुकाबले में सिर्फ 22 रन बनाए, उसके पहले मुकाबले में 20 रन, कुछ खास नहीं कर पा रहे गाइस। इनकी ये दो जल्दी आउट होते गाइस पहले ऊपर के, तो गाइस इनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आप ग्रैंड लीग में इनको कैप्टेंसी भी ट्राई करना है, सिर्फ ग्रैंड लीग में आप चाहो तो गाइस मिनी जील में इनको ट्राई भी कर लेना। पीएम गर्ग की बात करें लिस्ट और मतलब लास्ट गाइस मुकाबले में इन्होंने 15 बनाए थे, उसके पहले वाले मुकाबले में 0, 8 और 51, कुछ खास नहीं कर पा रहे गाइस बट आपको सिर्फ मिनी जेल में ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। विजय शंकर लास्ट के मुकाबला खेला गाइस, इनको विकेट नहीं मिला था, ओवर का था बट इनको विकेट नहीं मिला। अभिषेक शर्मा गाइस लास्ट के मुकाबला खेला बट 1 ही रन बनाया और उसके पहले वाले मुकाबले गाइस मतलब कुछ खास नहीं कर पाए गाइस। तो सिर्फ आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है जो आपको दिखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। रशीद खान की बात करें गाइस तो 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट गाइस और 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, यानी गाइस लास्ट के मुकाबले में 2 मुकाबले गाइस इन्होंने 5 मुकाबले मतलब 5 विकेट ले चुके हैं रशीद खान, जो डायरेक्टली पिक करो अपने टीम में। एस शर्मा की बात करें लास्ट के मुकाबले इनको विकेट नहीं मिला था, उसके पहले वाला मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला था, तो गाइस आपको सिर्फ ग्रैंड लीग में पिक करना है इनको, तो गाइस आप इनको ग्रैंड लीग में ही पिक करें। नटराजन की बात करें लास्ट के मुकाबले में गाइस इन्होंने 1 मेडल ले गया था, नटराजन 1 मेडल ले गया था गाइस लास्ट के मुकाबले में बट इनको विकेट नहीं मिला था। और खलील अहमद की बात करें लास्ट के मुकाबले में 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, यानी गाइस अभी तक बता दूं गाइस इन्होंने 5 मुकाबले खेले गाइस 6 विकेट ले चुके हैं, लास्ट के 2 मुकाबले से 2-2 विकेट ले रहे हैं गाइस। तो बहुत ही शानदार प्लेयर है, जरूर ट्राई करो इनके तरफ से गाइस। ओपन बॉलिंग करते हैं आते हैं एस शर्मा, नटराजन और खलील अहमद, और कभी कभी एस कौल खेलेंगे तो गाइस संदीप कौल, तो गाइस इनको भी ट्राई कर लेना, बहुत ही शानदार बॉलर है। डेथ बॉलर में गाइस नटराजन करते हैं गाइस जो खलील अहमद ज़्यादा करते हैं, तो गाइस इनको ट्राई करें आप। बॉलिंग इन्फो बात करें गाइस तो कौन सा प्लेयर कितने ओवर करता है गाइस ये सारे स्टेट्स लिखा है, तो गाइस यहाँ पे पढ़ लेना। एक और बात गाइस, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लाइक कमेंट करने से मिलता कुछ नहीं भाई, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। गाइस हम बात करें गाइस इनकी टीम की ओर से बेंच पे बैठे गाइस मिचेल मार्स, कुछ खास नहीं कर पाते गाइस लास्ट का मुकाबला खेला था इनको मतलब उसके पहले वाला मुकाबला खेला था, खास नहीं कर पाते। विजय शंकर और WSR कुछ खास नहीं है गाइस, भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे तो गाइस अपन को ट्राई कर लेना, बाकी मैं आपको इसका स्टेटस दे दूंगा टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए। चेन्नई सुपर किंग की बात रहे लास्ट का मुकाबला इन्होंने हार गई थी गाइस, यानी गाइस लास्ट का मुकाबला गाइस चेन्नई सुपर किंग हार गया था। इनकी तरफ से गाइस ओपन करने वाले सेन वाटसन, फेफ डुप्लेसिस, सेन वाटसन लास्ट के मुकाबले में 14 रन बनाए और फेफ डुप्लेसिस ने सिर्फ 8 रन बनाए। इन्होंने गाइस अभी तक 7 मुकाबले खेले गाइस चेन्नई सुपर किंग ने, सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते गाइस और इन्होंने 5 हारे हैं, तो इनकी इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड रहा है गाइस बहुत ही शानदार, यानी गाइस बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है इस टीम। अंबाती राइडू गाइस लास्ट के मुकाबले बहुत ही शानदार इनिंग खेला, 42 रन बनाए गाइस। एन जगदीशन की बात करें तो आपको दिखेंगे विकेट के प्रतिशत में, और गाइस AI 2 डाउन और 33 रन बनाए थे गाइस। गाइस फिर से खेलते हो गाइस इनका विकेट जल्दी गिर जाता है, तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे गाइस एन जगदीशन। महेंद्र सिंह धोनी गाइस लास्ट के मुकाबला खेला गाइस, सिर्फ 3 ही 4 बॉल खेल पाए, सिर्फ 10 रन बना पाए गाइस, तो गाइस सिर्फ आपको ग्रैंड लीग में पिक करना है। सैम करन की बात करें लास्ट के मुकाबले इन्होंने 1 विकेट निकाला था, उसके पहले अपने मुकाबले में 2 विकेट 1 से 2 विकेट आपको निकाल कर दे देंगे, तो गाइस सैम करन को रख लेना। रविंद्र जडेजा की बात करें लास्ट के मुकाबले में गाइस सिर्फ 7 रन बना पाए बैटिंग से और बॉलिंग से, इनको विकेट नहीं मिला था, ज़्यादा विकेट नहीं मिलता भाई, सिर्फ आपको मिनी जेल में ट्राई करना है। डीजे बराबर की बात करें लास्ट के मुकाबले में गाइस इन्होंने विकेट नहीं मिला था, उसके पहले अपने मुकाबले इन्होंने 3 विकेट निकाले सॉरी लास्ट के मुकाबले इन्होंने विकेट नहीं मिला, सिर्फ 7 ही रन बना पाए हैं अभी। दीपक चहर की बात करें लास्ट के मुकाबले में गाइस जिनको 1 विकेट मिला था, जरूर ट्राई करना अपने टीम में गाइस स्मॉल लीग टीम में। शार्दुल ठाकुर गाइस 2, 2, 2 और 1, जब से खेल रहा बंदा गाइस आपको बता दूँ 4 मुकाबले इन्होंने अभी तक 7 विकेट निकाल चुका है, जब से खेल रहा बंदा गाइस 2, 2, 1
हर एक मैचेस में विकेट निकाल रहा है, तो गाइस आप जरूर ट्राई करो अपने स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में। के शर्मा गाइस 0 विकेट 2 विकेट जरूर ट्राई करना गाइस, आपको मिनी जेल में 1 से 2 विकेट निकाल कर देंगे, तो गाइस आपको 130 विनिंग करवाएंगे, तो गाइस जरूर ट्राई कर लेना। सॉरी मैसेज आ गया था वो इसलिए मैंने रोक दिया बात। लाइक ओपन बॉलर की बात रही तो इनकी ओपन बॉलर है दीपक चहर, सैम करन, डेथ बॉलर है गाइस डीजे ब्रावो, सैम करन, शार्दुल ठाकुर। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि डेथ में कौन बॉलिंग करता है, ओपन कौन बॉलिंग करता है, भाई आप यहाँ पे समझ गए तो बहुत ही बड़ा विनिंग करोगे भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को फोकस करके देखते जाओ, क्योंकि वीडियो को फोकस करोगे तभी आप एक अच्छी खासी टीम बना पाओगे और उस टीम से बड़ी विनिंग कर पाओगे। गाइस हम इनकी तरफ से बेंच पे बैठे गाइस केदार जाता हूँ, इंगडी आपको बता दो गाइस, लुंगी इंगडी गाइस बहुत ही शानदार बेटर बॉलर, पता नहीं इनको बेंच पे कहीं बैठाया गया है भाई। अगर ये खेलते गाइस इंगडी तो गाइस टीम में कैप्टन रहेंगे ग्रैंड लीग टीम में, मेनी जेल में भी हमारी कैप्टन रहने वाले गाइस इंगडी बहुत ही शानदार बॉलर है भाई, 2 से 3 विकेट निकाल कर दे देंगे खेलेंगे तो। हॉजलवुडी भी बहुत ही शानदार बॉलर है गाइस, बट लास्ट मुकाबला इन्होंने एक मुकाबला खेलाया गया था बट इनको विकेट नहीं मिला था। मुरली विजय खेलेंगे तो गाइस ये ओपन करते हैं, और पीयूष चावला खेलेंगे तो गाइस आपके लिए बहुत ही सेफ पिक रहने वाला है। तो गाइस जरा दोनों टीमों के स्टार्टिंग लाइनअप, बैटिंग ऑर्डर, प्लेयर स्टेट्स, रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस, उम्मीद का तो गाइस आपको समझ आया होगा। अभी तक नहीं जुड़े तो गाइस जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाना, बाकी आपको मेरे को फॉलो करना होगा गाइस अदर सोशल नेटवर्क पे, तो गाइस यहाँ पे जाकर सर्च कर लेना, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब हम चलते गाइस डिमलोन ऐप पे, आप वहाँ पे कैसे टीम को क्रिएट करनी है, कैसे टीम को मतलब गाइस बनानी है ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। हे गाइस जा चुके हैं फाइनली अब डिनर ने पे, आपको तो विकेट के प्रसंग में आपको जोनी ब्रेस्टो, महेंद्र सिंह धोनी एंड जगदीशन दिखेंगे। प्रीव्यू की बात रही तो महेंद्र सिंह धोनी जो आपको बहुत नीचे खेलने आएगा गाइस, और जगदीशन 2 डाउन और जोनी ब्रेस्टो गाइस ओपन करेंगे। तो गाइस अब सेफ पिक की बात रही तो आपको स्मॉल लीग में इनको ट्राई करना है, एन जगदीशन खेलेंगे तो गाइस 2 डाउन आएंगे, बहुत ही शानदार इनिंग खेला गाइस, लास्ट का मुकाबला खेला और इन्होंने 33 रन बनाए थे। ये महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही नीचे गाइस सिर्फ 33 रन बना पाए और ओपन करेंगे, बहुत शानदार प्लेयर है, तो इन आप मैं बोलूँगा गाइज आप स्मॉल लीग में दोनों को साथ जाइए, बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको पिक करें। बैट्समैन की बात रही तो डेविड वार्नर, फेव डुप्लेसिस और केन विलियमसन की बात रही, इनको ज़्यादा मौका मिलता नहीं, सिर्फ लास्ट के मुकाबले 22 रन बना पाए थे, उसके पहले वाले मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ आपको ग्रैंड लीग में पिक करना है, मिनी जेल में पिक करना है, इनकी जल्दी गिर जाता है गाइज डेविड वार्नर और जोनी ब्रेस्टो, जल्दी इनको विकेट गिरता है गाइज, तो केन विलियमसन बहुत ही शानदार इनिंग खेलेगा भाई, बहुत ही शानदार बॉलर है गाइज। तो अब हम बात करें गाइज अम्बाती रायडू, मनीष पांडे बहुत ही शानदार टच में भाई, सभी बैट्समैन सेक्शन से प्लेयर, बाकी कुछ खास है नहीं, ये प्रेम गार्ग सिर्फ आपको ग्रैंड लीग में पिक करना है। फिर भी मैं बात करें गाइज तो शेन वाटसन डायरेक्टली पिक करना है, अम्बाती रायडू डायरेक्टली पिक करना है गाइज, ओपन करने वाले हैं फेफ डू प्लेसिस को, अम्बाती रायडू गाइज 2 रन आएंगे, फेफ डू प्लेसिस और शेन वाटसन ओपन करने वाले, डेविड वार्नर ओपन करेंगे गाइज और मनीष पांडे 1 रन आएंगे और ये 2 रन आएंगे। तो गाइज आप चाहो तो प्रेम गौर को भी पिक कर लेना, ज़्यादा लोग इनके साथ जाएंगे तो आप इन्हीं के साथ जाइए अपने स्मॉल लीग में, बाकी आप इनको सिर्फ मिनी जेल में ट्राई करना, आप चाहो तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो। ऑलराउंडर में गाइज रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए लास्ट के मुकाबले में, सैम करन गाइज 1 विकेट निकाले थे, नबी तो खेल नहीं रहे गाइज, डीजे ब्रावो भी इनको विकेट नहीं मिला था, बाकी खेल नहीं रहे। प्रीव्यू में हम देखें गाइज तो रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिला, इनको भी विकेट नहीं मिला, सिर्फ इनको ही विकेट नहीं मिला था, इनको भी विकेट नहीं मिला, ज़्यादा लोग इनके साथ जाएंगे तो गाइज आप इन्हीं को भी साथ जा सकते हो ग्रैंड लीग में सिर्फ अभिषेक शर्मा के साथ। प्रीव्यू में देखें गाइज तो डीजे ब्रावो और सैम करन के साथ ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि डीजे ब्रावो गाइज ए डेथ में बॉलिंग करता है भाई, बहुत ही पेशेंस बॉलर, तो गाइज विकेट निकाल कर दे सकता है, जरूर ट्राई करना अपने मिनी जेल में ग्रैंड लीग में। राशिद खान गाइज डायरेक्टली पिक करो अपने टीम में, स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की सारी टीम में पिक करो डायरेक्टली। दीपक चहर लास्ट के मुकाबले इनको विकेट मिला था, उसके पहले वाले मुकाबले इनको विकेट नहीं मिला था, बट लास्ट के मुकाबले में विकेट मिला, पूरे पूरे 4 ओवर डालेंगे तो गाइज इंपॉर्टेंट प्लेयर, जरूर ट्राई करना। शार्दुल ठाकुर गाइज लास्ट के मुकाबले 2 विकेट ले गए, जरूर ट्राई करो गाइज। इंगडी की मैं बात कर रहा था गाइज, इंगडी खेलेंगे तो गाइज आपको मिनी जेल में गाइज वाइस कैप्टनसी की बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाला है भाई, इंगडी खेलेंगे तो एस कॉल खेलने गाइज खेलेंगे तो बहुत ही शानदार प्लेयर है। नटराजन खेलेगा गाइज डायरेक्टली पिक करो, और एस शर्मा सॉरी गाइज के शर्मा अब जो सिर्फ आपको ग्रैंड लीग में पिक करना है, बाकी कुछ खेलने रहे। बाकी गाइज हम बात करें गाइज खलील अहमद की, तो गाइज खलील अहमद को डायरेक्टली पिक करो, लास्ट के 2 मुकाबले से गाइज 2 विकेट निकाल कर आ रहे गाइज, खलील अहमद जरूर ट्राई करना अपने स्मॉल लीग टीम में ग्रैंड लीग टीम में। राशिद खान नटराजन और गाइज दीपक चहर शार्दुल ठाकुर, ये ज़्यादा लोग इनके साथ जाएंगे, क्योंकि गाइज जाना भी चाहिए, बहुत ही शानदार प्लेयर है गाइज, ज़्यादा मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है भाई, बाकी आप खलील अहमद के साथ भी जाओ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम में। गाइज आपको बता दो हमारी ये डेमो टीम है, डेमो टीम का मतलब होता है इसमें बहुत सारे चेंजेस होगा, चेंजेस होगा तो आपको हमारी
टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड होगा, तो जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। बाकी अभी स्मॉली के लिए टीम बनाने की कोशिश करें तो आप स्मॉली खेलने जा रहे हो, तो गाइज अभी इसी टीम से ज्वाइन हो जाओ। बाकी मैं आपको फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा, उस समय एडिट करके चेंज कर लेना और बहुत बड़ी विनिंग कर लेना। गाइज हमने अपनी अभी कप्टन दिया गाइज डेविड वार्नर को गाइज, और आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, सारे दे सकते हो गाइज, बहुत शानदार प्लेयर है गाइज, इनको भी दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है गाइज कैप्टन से, बॉयज कैप्टन से, तो गाइज आप किन को भी दे सकते हो। तो गाइज ऐसा ही वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आप लोग, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।